एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने ग्राम रिसामा की एक युवती की उल्टी होने के कारण बेहद गंभीर स्थिति अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसके पेट का ऑपरेशन कर उसे स्वस्थ किया। ग्राम रिसामा की 19 वर्षीय युवती भुवनेश्वरी को पूर्णतया स्वस्थ कर एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के डॉक्टरों ने अपनी श्रेष्ठता साबित की है। युवती को बीते 1 सितंबर को अत्यंत गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया था। युवती को लगातार खून की उल्टी होने के साथ उसका बीपी भी लो हो चुका था। युवती की जांच उपरांत उसके पेट में तिल्ली काफ़ी बढ़ चुकी होने की जानकारी मिली, जो कि खून को ख़त्म कर रही थी। साथ ही अतड़ियों की नसों में तनाव भी काफ़ी बढ़ गया था। गंभीर स्थिति और जाँच रिपोर्ट को देखते हुए डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन कर बढ़ी हुई तिल्ली को निकाला गया। लगातार चले उपचार के उपरांत अब युवती स्वस्थ हो चुकी है, जिसे 12 सितंबर को डिस्चार्ज किया गया। युवती की स्थिति और उपचार को लेकर अस्पताल के एनेस्थीसिया और आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर पवन देशमुख और डॉक्टर नीलम चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख, एनेस्थीसिया तथा आईसीयू इंचार्ज एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। हमारे यहाँ भुवनेश्वरी नामक एक 19 वर्षीय युवती 1 सितंबर को आई थी। मरीज के पेट में लगातार दर्द हो रहा था, उल्टियां हो रही थी, मरीज के शरीर में खून की काफ़ी कमी हो गई थी तथा उल्टी में से भी खून आ रहा था। जांच के दौरान ये पाया गया कि मरीज के शरीर की तिल्ली अपने आकार में काफ़ी बढ़ चुकी थी, जो इसके शरीर से खून को ख़त्म कर रही थी। साथ ही अतड़ियों की नसों में तनाव काफ़ी बढ़ गया था, जिसके कारण जो खाने की नली रहती है उसमें रक्तवाहिनियाँ फूल के वहाँ से खून का स्त्राव हो रहा था। तो ऐसे में मरीज की जान को खतरा था। हमने सारी विकट स्थिति को देखते हुए मरीज का तुरंत इलाज चालू किया। मरीज के लिए खून तथा सफ़ेद खून की सुविधाएं अरेंज की गई और हमने मरीज को ऑपरेशन के लिए लिया। मरीज के पेट से बड़ी हुई तिल्ली को निकाल दिया गया और बाकी जो शरीर में खून की पूर्ति थी उसकी आपूर्ति बाहर से खून चढ़ा के की गई। मरीज का ऑपरेशन 5 सितंबर को किया गया। उसके बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मरीज आज 12 सितंबर को हमारे यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर जा रही है। मरीज अभी पूर्णतः स्वस्थ है। तो मैं प्रदेश की जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि एसआर अस्पताल ऐसे सारे क्रिटिकल सर्जरीज करने में पूर्णतः सक्षम है और हमारे यहाँ की जो डॉक्टरों की टीम है, जो नर्सिंग स्टाफ है, जिन्होंने इस मरीज को स्वस्थ करने में मदद की है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चंद्राकर एसआर हॉस्पिटल में एज ए आईसीयू रेसिडेंट डॉक्टर के पद पे कार्य कर रही हूँ। मैं आपको एक मरीज के बारे में बताना चाहूँगी। भुवनेश्वरी साहू 19 वर्ष की एक युवती हमारे यहाँ 1 सितंबर को बहुत ही खराब स्थिति में भर्ती हुई थी। बहुत ही ज़्यादा उसके पेट में दर्द था, खून की उल्टियाँ हो रही थी, मरीज का बीपी भी बहुत कम था। जांच करने पे पाया गया कि उसका खून अत्यंत कम है शरीर में। उसके बाद उसको सोनोग्राफी करने पे पता चला कि उसके स्प्लीन का आकार बढ़ा हुआ है। मरीज का 5 तारीख को ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के पहले उसे खून वगैरह चढ़ाया गया। यह ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन था। लगभग लंबी सर्जरी चली, 3-4 घंटे की सर्जरी रही। सर्जरी बहुत सक्सेसफुल रहा और आज यह बताने में हमें बहुत खुशी हो रही है कि मरीज बहुत अच्छे से स्वस्थ हो चुकी है और आज उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। और हम बताना चाहते हैं कि एसआर हॉस्पिटल में ऐसी सारी क्रिटिकल सर्जरी बहुत सक्सेसफुल हो रही है और मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। युवती ने अस्पताल प्रबंधन का आभार जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरे पेट में बहुत दर्द था और मेरे तिल्ली काम पर बढ़ गया था, इसलिए मैं इस हॉस्पिटल में आई हूँ। ऑपरेशन करने के बाद ऑपरेशन किया, अभी ठीक है ना स्थिति आपकी? हाँ। गौरतलब है कि एसआर हॉस्पिटल चिखली में बेहद गंभीर अवस्था में पहुंचे मरीजों का उपचार कर उन्हें स्वस्थ किया जा चुका है। अपने शुरुआती दौर से ही अस्पताल क्षेत्रवासियों का विश्वास जीतने में कामयाब रहा है। अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने इस उपलब्धि का श्रेय अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।